Okay kids, so my name is Aisha Yunus and we are here to discuss the paper attempting techniques and how to decode your statements and your paper. Problem is that के बच्चे confuse करते हैं ऐसे की statements को और पाकिस्तान अफेयर की statements को. No worries at all and there is no doubt in that के basically जो पाक अफेयर्स की statement है और जैसे की statements हैं वो by and large same होती हैं. उसकी reason है critical analysis दोनों में चाहिए, creative writing दोनों में चाहिए, facts and figures दोनों में चाहिए, argumentation दोनों में चाहिए. सो केस इन पॉइंट्स, केस इन रेफरेंसेस आपने दोनों पेपर्स में देने हैं. देन वर्ड्स अ डिफरेंस. डिफरेंस इज दैट के जो एसे स्टेटमेंट है वो आपकी तकरीबन 10 वर्ड्स, 8 वर्ड्स, 12 वर्ड्स मैक्स होती है. बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स तो उसकी स्टेटमेंट किसी वर्ड पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वर्ड काउंट पे. इट्स अबाउट 2, 3, 4, 5 लाइन समटाइम्स, 5 लाइन्स इवन समटाइम्स. तो इसका मतलब है कि उसको डीकंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है. डीकंस्ट्रक्शन से ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ क्या है? ऐसे में यू आर फेमिलियर विद दैट टर्म, दैट इज़ डेमोक्रेसी, प्रॉज एंड कॉन्स एंड दैट सेट. या फिर आप ओवरऑल IMF बेल आउट पैकेजेस, वट एवर द टर्म इज, ठीक है जी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उसके प्लस उसके माइनस बता दें, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है या फिर डेफिनेटली एक कर्स है. तो दैट्स वेरी सिंपलिस्टिक, यू नो, वेरी सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट. कि आपको पता होता है, अच्छा यार हमने पॉजिटिव लिखने हैं 12, हमने कुछ 14 उसके नेगेटिव लिख देने और कंक्लूड कर देने, तो वो बड़ा आसान हो जाता है. ठीक है, आपसे वो एक ओवरऑल सिनेरियो पूछता है ताकि बच्चे एटलीस्ट 15-20 पेजेस तक लेके जा सकें, गेज कर सकें एग्जामिनर का इंटरेस्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स तो उसमें आपके मैक्स जो रेस है दैट इज ऑफ 6-7 पेजेस. यू आर लेफ्ट विथ यू नो 2.5 आवर. एक टाइम कंस्ट्रेंट भी बहुत ज़्यादा उसमें आ जाता है. टाइम कंस्ट्रेंट के साथ साथ फिर स्टेटमेंट जो है वो इनलार्ज्ड है, ठीक है, उसकी 4-5 लाइंस हैं या 3 लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, उसको डीकंस्ट्रक्ट करना और डीकोड करना. फिर प्रॉब्लम आता है जनाबे वाला सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने एक रेलिवेंसी कैसे क्रिएट करनी है. हाउ टू यू नो क्रिएट अ सेंस ऑफ यू नो सेंस ऑफ काइंड ऑफ अ कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस. हाउ योर वन आर्गूमेंट इज बेसिकली लिंक्ड विद द आर्गूमेंट ऑफ द 4th-5th पेज. एक लिंकेज जो है, कोहेरेंस जो है, वो बेसिकली क्वेश्चन की नज़र आए एग्जामिनर को. बच्चे अक्सर कहते हैं कि व्हेन आई एम एवेल्युएटिंग द पेपर्स तो स्टूडेंट डू से दिस थिंग कि ये तो हमने लिखा है, ये हमने वो लिखा हुआ है 8वें-10वें सफ़े पर. वो जब आप इतना आगे ले जाते हो तो उस आर्गुमेंट की इंपॉर्टेंस बेटा लूज हो जाती है. वो वहाँ देना ही नहीं होता जहाँ आप लिख रहे होते हो. बच्चे मुझे अक्सर रेंडमली कॉमेंट करते हैं कि मैडम ये वाला पॉइंट मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, एंड दे कैटेगोरिकली डिबेट अबाउट दिस वेरी फैक्ट. मैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती. द फैक्ट इज कि अगर आप एक तरफ प्रॉब्लम्स दे रहे थे, फॉर इंस्टेंस आई विल पुट वन एग्जांपल इन दिस रिगार्ड. ना एक बच्चा है, आई वाज एवैल्यूएटिंग द पेपर्स, तो उसने बेसिकली एग्रीकल्चरल डिक्लाइन के ऊपर जो है क्वेश्चन लिखा था. और एग्रीकल्चर डिक्लाइन की जो स्टेटमेंट है वो 2 साल पहले आपने देखा होगा FPSC में भी आई थी. कि रीजंस बता दें एग्रीकल्चर डिक्लाइन की, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट एक सेंचुरी तक जो है वो बहुत बड़ी रीज़न रहा है कि पूरी वर्ल्ड को एग्रीकल्चर फूड बास्केट प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत बड़ा हब था. अब एग्रीकल्चर डिक्लाइन आप लिख रहे हो तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर डिक्लाइन को आपने बेसिकली कैटेगोरिकली डिवाइड करना है 2 से 4 रीजंस में, 4-5 मेजर रीजंस के अंदर. इकोनॉमिक हो गया एक रीज़न, फॉर इंस्टेंस पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, फॉर इंस्टेंस सोशल हो जाएगा, ठीक है जी. अब आप लोग करते क्या हो? इकोनॉमिक रीजंस या एग्रीकल्चर इकोनॉमी को एक्सप्लेन कर रहे होगे सडनली, और सडनली उसमें बता दोगे जी फार्मर ट्रेनिंग भी तो नहीं है. आप इकोनॉमिक रीजंस को एक्सप्लेन कर रहे होगे कि हाँ जी एग्रीकल्चर डिक्लाइन है, सारा कुछ है. सडनली आप इस चीज पे आ जाओगे जी डैम कंस्ट्रक्शन भी तो नहीं हो रही है. यू आर नॉट गेटिंग द सिंपलेस्ट फैक्ट कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस का पॉइंट नहीं होगा, वो पॉलिटिकल डिलेमा का पॉइंट है. क्यों कालाबाग डैम क्यों नहीं बना? इकोनॉमी उसमें एक इररिलेवेंट इनडायरेक्ट रीजन है. द पॉइंट इज कि कभी क्या ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ किया है? टेक ऑफ करता तो उसके बाद हम देखते ना कि इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, या अब ये कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि वी डोंट हैव द बजट. द प्रॉब्लम इज कि यू नेवर टॉक अबाउट दिस वेरी फैक्ट जब भी आप लोग दे रहे होते हो, और आप लोग डायरेक्टली एक रीजन से दूसरी रीजन पे जंप करते हो. अब आप इकोनॉमिक क्राइसिस दे रहे हो, उसमें हाइब्रिड सीड्स हम नहीं बना पा रहे, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडस्ट्री हमारी नहीं डेवलप हो रही है, हम जो है जनाबे वाला बेहतर फर्टिलाइजर्स नहीं बना पा रहे, बहुत चीज़ें हो सकती हैं कि हाँ ये कैटेगोरिकल रीज़न है. अब सोशल कंस्ट्रेंट्स के अंदर क्या आता है कि आपका एक रिडंडेंट मैथड है. किस चीज़ का बेटा? क्रॉप्स का. वाई? स्टेगनेंट क्रॉप मैथड है आपका.
एक बनता है तो गंदम उगा रहा है, वो मतलब सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि वो समझता है कि नस्ल दर नस्ल मैंने यही आर्ट अपने बच्चों को या अपनी अगली नस्ल को ट्रांसफ़र किया है। अब आप लोग मिक्स कर देते हो, मिक्स एंड मैच हर चीज़ का, वो मिक्स एंड मैच एग्जामिनर एक पेपर जब वो स्किम कर रहा है वो यूँ पिक करता है कि ये इकोनॉमी से सीधा जंप करके पॉलिटिकल पे आया, फिर जंप करके सोशल पे जा रहा है, फिर सॉल्यूशंस में भी यही सब कुछ है। ये इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन आप क्रिएट करते हो कि एग्जामिनर को समटाइम सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन था क्या। लिटरली एग्रीकल्चर डिक्लाइन में बच्चे, या फिर ये होता है कि एक चीज़ को आप इतना ज़्यादा फोकस कर देते हो कि आप बाकी सब कुछ फॉरगेट कर देते हो। एग्रीकल्चर डिक्लाइन पे मैं उस दिन पढ़ रही थी तो क्लाइमेट चेंज पे बच्चों ने लिखा हुआ था, जो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी रीज़न है इसकी, हमारी ऑब्वियसली वीट क्रॉप जो है वो तबाह हो रही है, सारा कुछ इतना ज़्यादा कि चार चार पेजेस उस चीज़ को दिए हुए और एंड पे डायरेक्टली जंप करके सॉल्यूशंस पे आ गए हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिक्लाइन की कोई और रीज़न ही नहीं है। मैं भी बहुत बेसिक टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उसमें भी ये प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट करते हो। फिर आप लोगों को लगता है कि हमने बहुत कमाल लिखा था, पता नहीं एग्जामिनर को क्या हुआ, उनको हमसे कोई खास तरह का मसला था कि नंबर नहीं दे रहे। और अक्सर बच्चे ये एक रैंडम आर्गुमेंट या मार्केट में ये बात फैल भी जाती है कि जी फलां सब्जेक्ट जो है ना वो तो मार्क्स स्कोरिंग रही नहीं। भाई क्योंकि एग्जामिनर ने आप लोगों को उसके अंदर लूज एंड देना छोड़ दिया, उसने कहा ठीक लिखोगे तो नंबर ले लो, गलत लिखोगे तो मार्क्स नहीं दूंगा। एक बेसिक चीज़ है कि अगर मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और उस लेक्चर को डिलीवर करते हुए मैंने आपको पढ़ाना है प्री पार्टीशन, मैं आपको पहले पोस्ट पार्टीशन पढ़ाऊँ 47 से 56 का एरा पढ़ा दूँ, फिर मैं आपको बताऊँ कि चलो चलो आप पीछे चलते हैं, हाउ वुड यू फील? आपको भी लगेगा ना कि कोई ऑर्डर ही नहीं है भाई ये तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्लियर है? अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा इशू जो आता है वो आपका आता है हेडिंग्स का। कुछ बच्चे हैं एग्रीकल्चर डिक्लाइन में हेडिंग बना देंगे फूड सिक्योरिटी या फूड इनसिक्योरिटी, वन वर्ड हेडिंग यार। अब फूड इनसिक्योरिटी के नीचे आप लोग 150 वर्ड्स लिख दोगे। द फैक्ट इज व्हाई वर्ड आई रीड 150 वर्ड्स फॉर फूड सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी? इतनी सी टर्म के लिए कोई भी आदमी हो, कोई भी बच्चा हो या आप भी हो इवन, अगर मैं आपको कहूँ कि एक सिंपल सी चीज़ है फूड इनसिक्योरिटी की इतनी सी हेडिंग, उसके नीचे एक 150 लिखा हुआ है, आप भी नहीं पढ़ोगे, आप भी नहीं पढ़ोगे। इसकी मैं एग्जांपल अक्सर इस तरह से कोट करती हूँ कि न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं ओपिनियन पेज के, वो पढ़ना क्यों मुसीबत होती है? क्योंकि टाइटल इतना सा होता है, इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है उसमें से, एक्सट्रैक्ट करनी होती है, और सीएसएस के कैंडिडेट्स को वो एक मुकम्मल अजाब लगता है कि यार अब कहाँ से शुरू हूँ। इसी तरह बेटा एग्जामिनर भी है, उसको फ्रेजल हेडिंग दो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो पढ़े उसको समझ आ जाए अंदर क्या लिखा हुआ है। आप क्यों एक तरह एजम्पशन बना के बैठे हुए हो कि जनाबे वाला मैं बस एक वर्ड लिख के आया हूँ, मैंने अंदर बहुत कमाल चीज़ें लिख दी हैं, एग्जामिनर वुड रीड अबाउट दिस। भाई सीधी बात है, उसने शायद 50 पेपर पहले चेक किए हैं, आपके पेपर तक आते आते वो वैसे ड्रेन हुआ होगा, मे बी वो पढ़े भी ना ठीक से, हो सकता है ना, थिंग्स कैन हैपन। मैं आपको आज यहाँ पर बिठा कर 100 देती हूँ पढ़ने के लिए, मैं गारंटी करती हूँ आप भी स्किम ही करोगे, बस अब सफ़े पलटोगे, देखोगे, स्किम करोगे, अच्छा ये लिखा हुआ ठीक है, गुजारोगे बस। दिस इज़ द प्रॉब्लम। क्लैरिटी हो रही है बातों की या नहीं? अब ये हो गया डिकोडिंग, ये हो गया कि कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे करनी है, और फिर हमने डिस्कस कर लिया कि बेसिकली आपने हेडिंग्स किस तरह से बनानी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है लिंक। लिंक का जैसे मैं एक मसला बताती हूँ, फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान एंड हाउ एनर्जी क्राइसिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दीज इशूज, सजेस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशंस टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। समझ में आ गया? पक्का? गुड। अब इसमें गौर से सुने, पहले वो पूछ रहा है आपसे, सबसे पहली चीज जो वो पूछ रहा है वो ये नहीं है कि बेसिकली आपके ओवरऑल प्रॉब्लम्स, नहीं, उसने स्पेसिफाई किया है, उसने कहा सबसे पहले तो जनाब लिखें कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या हैं, किसके क्या हैं, वेरी गुड। फिर उसने कहा है कि एनर्जी के क्या इश्यूज हैं, ये ऐसे ही है, अच्छा उसके बाद उसने क्या कहा है कि इसके सॉल्यूशंस, ऐसा ही है। अब बच्चे क्या करते हैं, ज़रा गौर से सुना। पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आप सबके पेपर में थी ऑलमोस्ट, बच्चों ने प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज के ज़रूर डिस्कस किए, बट जब वो सॉल्यूशंस पे आए तो आपने सॉल्यूशन पता है किसका दिया हुआ था, सिर्फ अ वेरी कॉमन मिस्टेक।
अ वेरी कॉमन मिस्टेक. और आप लोगों को लगा कि हाँ जी एनर्जी क्राइसिस के सोल्यूशन देने का मतलब है कि हम भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे एनर्जी से रेलिवेंट तो नहीं होंगे. चलिए मैं कहती हूँ एनर्जी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम 50%. वट अबाउट अदर 50%? मैंने तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज़ भी नहीं किया. मैंने तो कहा है एड्रेस दीज चैलेंजेस. जब मैं एस लगा रही हूँ इसका क्या मतलब है कि मैं दोनों के सोल्यूशंस डिमांड कर रही हूँ. नाउ किड्स वुड आर्ग्यू कि हमने तो कमाल के सोल्यूशंस लिख दिए हैं, इससे ज़्यादा बेहतर सोल्यूशंस हो ही नहीं सकते थे. आपने मदद किया क्या है भाई? बंदा पूछे कि आपने सोल्यूशंस में लिखा क्या है, आप पहली वाली चीज़ को लॉस्ट ही कर गए हो, हालांकि उसके ऊपर आपने 3 सफ़े लिखे हुए हैं कि हमारे यहाँ टेक्निकल लेबर नहीं है, इनोवेशन का क्राइसिस है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी लूप होल्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, टेररिज्म क्राइसिस है, मतलब जो जो तुम लोग को नजर आ रहा था या याद आ रहा था. अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है अगेन भाई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग मसला है, सिक्योरिटी क्राइसिस अलग मसला है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अलग मसला है, सबको डाला हुआ है. आपने कहा कोई बात नहीं, सारे सारे एक ही गंगा के पापी हैं, धुल जाएंगे इन सबके दागे एक साथ ही, कोई मसला नहीं है. द फैक्ट इज़ कि आपको समझना पड़ेगा बेटे कि आपने सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज को मिक्स करके मतंजन नहीं बनाना. एग्जामिनर उसको पढ़ के खुश नहीं होगा कभी भी, वो ऑफेंड हो जाता है. देखिए बड़ी, और आप माइंड ना कीजिएगा कल को आप लोग कंपीट करें पास के ऑफिसर्स बनने के लिए, PSP बनने के लिए. एक रिपोर्ट आपने फाइल करनी है और आपको यही नहीं पता कि ये सोशल इशू है, पॉलिटिकल लेवल का है, लीगल लेवल का है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का है. तो मुझे बताएं क्या आप कैसे कह सकते हैं कि वी आर क्वालिफाइंग एज अ ब्यूरोक्रैट? वो वहीं पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना. आप ये मत सोचें कि इतनी टेक्निकलिटी में कौन सोचता है. सोचते हैं क्योंकि आपको हम उस पोजीशन के लिए सोच रहे हैं. यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप समझें, आप अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली इशू किस डोमेन से लिंक करता है. आपने उन्हीं के डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक करना है, आपने उन्हीं NGOs को टैप करना होता है. चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं. ठीक है, अब रेज योर हैंड्स. आई एम प्रिटी श्योर कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है उसको एक बड़े अच्छे से समझ आ रहा है कि उन्होंने एनर्जी क्राइसिस के ही सोल्यूशंस लिखे थे. एंड अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा तो वो आपकी मर्जी है. आई एवेलुएट हिज पेपर एज वेल. पुराना वो आपने भी यही किया हुआ था, एनर्जी मोस्टली एनर्जी के सोल्यूशंस दिए थे, ऐसा ही था बेटा. तो द फैक्ट इज के आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई. इसका मतलब है आपने 5 to 6 क्वेश्चंस को टच ही नहीं किया. देखिए अगर 5-5 करके मैं डिवाइड करूँ ना तो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम 5 नंबर के हो गए बेटे. एनर्जी क्राइसिस 5 नंबर का हो गया. एनर्जी के सोल्यूशंस 5 नंबर के, इंडस्ट्रीज के सोल्यूशन 5 नंबर के. तो 5 नंबर तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए. आ जाते हैं बाकी 15 नंबर के ऊपर. अब उन 15 मार्क्स में क्या होता है कि आप इंडस्ट्री में सब कुछ मिक्स करके आ गए हो, वहाँ पे फिर 5 माइनस कर दो क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है. पीछे रह गए गिन के कितने नंबर? 10. अब उसमें क्या होता है, एनर्जी क्राइसिस पे आ जाते हैं. एनर्जी क्राइसिस के अंदर बहुत हमारे माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे हैं, क्यूट हैं आप सब, ठीक है. तो एनर्जी क्राइसिस में जब आप लिख रहे होते हैं तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि यू आर टू मच फोकस्ड ऑन ग्रीन एनर्जी. कि हमारे पास ये भी है, वो भी है, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, विच इज़ रियली नाइस. बट मेरा मसला जहाँ पर शुरू होता है वो ये है कि जनाबे वाला, एक तरफ आप लिख रहे हो कि इंडस्ट्री का फेलियर ये है कॉस्ट ऑफ एनर्जी, और दूसरी तरफ आप IPPs के एग्रीमेंट्स की बात ही नहीं कर रहे. आप बात ही नहीं कर रहे कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को आपने गेज करना है फ्यूचर में, नहीं करना है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. हाँ एक अच्छी बात है, सर्कुलर डेट सबने रटा हुआ है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस इज अ वेरी ओवररेटेड इशू. वो सबने रटा हुआ है, वो किसी का पेपर में जिसका मर्जी उठा लो, सर्कुलर डेट जरूर है, वो बहुत बड़ा मसला है जी. अब आपको प्रॉब्लम्स अपनी आइडेंटिफाई हो रही हैं. ये प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन है बेटे. अच्छा एक और बड़ा ट्विस्टिंग फैक्ट है, समटाइम्स स्टूडेंट्स विल थिंक कॉमेंटिंग बड़ी सेम है. भाई मिस्टेक्स ही आप इतनी कॉमन कर रहे हो, मैं कौन से नए कॉमेंट्स डाल दूँ? आपकी बेसिक मिस्टेक से आप निकलोगे तो मैं कोई यूनिक बात करूँगी ना पेपर के ऊपर. एक बात कर रही हूँ, अगर आपकी बेसिक स्ट्रक्चरिंग इश्यूज हैं, बेसिक चीज़ ही आपने एड्रेस नहीं की क्वेश्चन स्टेटमेंट की, तो बेटे डेफिनेटली कॉमेंटिंग में उसी के बारे में करूँगी ना. अब इतनी कॉमन मिस्टेक हो रही है तो व्हाट्स माय फॉल्ट? अब यही होता है FPSC के एग्जामिनर के साथ. इतनी कॉमन ग्राउंड से बच्चे मिस्टेक करके आते हैं कि उसको 50 पेपर एवेल्युएट करके पता होता है कि अगले 2000 पेपरों में क्या होगा. पॉइंट समझ रहे हैं? नहीं, किस किस को क्लियर हुआ है? अच्छा जैसे एक और मैं आपको एड्रेस कर देती हूँ यहीं पर. इसमें जनाबे वाला है एलैबोरेट ऑन द पोटेंशियल फॉर पाकिस्तान to become one of the world's richest countries, considering its mega projects and abundant natural resources.
अब मेगा प्रोजेक्ट्स की पता नहीं क्या मुसीबत है, आई जस्ट डोंट नो कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेगा प्रोजेक्ट्स ना, सी पैक के अलावा बच्चे कुछ लिखते ही नहीं है. इट इज ऑलवेज अबाउट सी पैक, ऑलवेज. आपको अंदाजा ही नहीं है शायद कि देखिए सी पैक इज ऑल्सो अ लॉन. वर्ल्ड बैंक आपका आज भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं. या आपने कलर कार्ड साइट देखी हो शायद, बड़ा कॉमन एरिया, वहाँ पर 2 से 3 विलेजेस को वो मॉडल विलेजेस बनाने उसमें कन्वर्ट करने लगा है. वहाँ के जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको उनकी जो है वो रीडेवलपमेंट कर रहे हैं. फिर ये चकवाल से आगे नहर बन रही है. मतलब इतना कुछ और है जो आपके एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, जो आपके टूरिज्म से लिंक्ड है, जो आपके हिस्टोरिकल टूरिज्म से लिंक होने जा रहा है. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. Whenever examiner is asking you about the mega projects, why it is always about CPAC? And why you rate this thing too much? पहले वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास potential है richest country बनने का. The question is potential. Decode this potential. Then वो कह रहे हैं consider करें potential हमारे पास है तो ही वो mega projects आए हैं. और फिर natural resources को separately. Natural resource में जो एक बड़ी कॉमन ग्राउंड की मिस्टेक अगेन थी, बड़े कम बच्चों ने लिखा टूरिज्म. आपको पता है दुनिया की टॉप ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक टूरिज्म है. आपको ये पता है कि टर्की की टर्किश एयरलाइन जो है वो प्रॉफिट में है ही इसलिए कि उनकी अपनी एयरलाइन उनके टूरिज्म में बहुत यूज़ हो रही है. पर डे लाखों जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, लाखों. मलेशिया, थाईलैंड, मे बी आप फेमिलियर हो इन नेम से, आई डोंट नो, बट इफ यू आर फेमिलियर तो आपको पता होना चाहिए इनका 40-50% GDP का इसी के ऊपर डिपेंडेंट है भाई. नेचुरल रिसोर्स है ये, नेचुरली तो आपके पास आया है. इट्स समथिंग ज्योग्राफिकली आपकी अपनी एफर्ट तो इन्वॉल्व नहीं है ना. केपी के आपका पार्ट है, K2 आपके पास है, माउंटेनियर्स का एक पूरा परस्पेक्टिव है. आप लिंक नहीं कर पाते हो. इट्स नॉट अबाउट टूरिज्म ओनली, इट्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, it's about small restaurants, it's about infrastructure, it's about everything. कितना बड़ा employment opportunity create हो सकती है, employment chunks हो सकते हैं, GDP हो सकता है, GNP हो सकता है, and everything is linked. Most importantly, infodynamics. If you promote your tourism, that means you are basically promoting your good image, soft image. वर्ल्ड को जो पता है वो यही पता है दैट यू आर टेररिस्ट एंड दिस लैंड इज नॉट अ सेफ लैंड, इट्स ओनली सेफ फॉर तालिबान. वेयर दिस वेरी पर्सपेक्टिव यू आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग द वर्ल्ड द होल डिफरेंट इमेज ऑफ योर स्टेट. मेरा ख्याल है इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है. बट यूथ बल्ज की बात कर लेते जी, यूथ पोटेंशियल है रेंडमली लिखा हुआ, यूथ पोटेंशियल को लिंक ही नहीं किया हुआ. अच्छा भाई यूथ पोटेंशियल है तो क्या 4 लाइन लिख के छोड़ा हुआ उसको. यूथ पोटेंशियल से मैं क्या ऑब्जर्व करूँ, डोंट माइंड माई वर्ड्स. मतलब क्या है, ब्लड डोनर बन जाओगे, खून दे सकते हो क्या, वाइट ब्लड्स की डोनेशन स्टार्ट कर दोगे, वॉट मतलब क्या. यूथ बल्ज मीन्स के यू कैन यू नो गेज द MNCs एंड TNCs ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ चीप लेबर, चीफ वेजेस हैं, आके इन्वेस्ट करें. हमारी स्किल्ड हो सकती है यूथ, IT में बहुत आगे जा सकते हैं हम, हमारा पोटेंशियल बहुत बेहतर हो सकता है. मतलब आप एक्सप्लेन तो करें. इस चीज को मेंशन कर सकते हैं ना, अभी फोर्थ वर्ल्ड लार्जेस्ट जो रिजर्वर्स के और वो बलूचिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने के. यस एब्सोल्युटली बिल्कुल कर सकते हैं, करना था ना. ये बड़ी क्यूट बात है जो ये मेंशन कर देते हैं, वो बता रहे हैं कि मैंने किया था. सी आई एम टैलेंटेड. अच्छा अब क्या हुआ, वेरी गुड थिंग कि आपने नेचुरल रिसोर्स को मेगा प्रोजेक्ट्स को टच कर लिया, वेरी गुड. बट देन व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, क्या आप रिचेस्ट कंट्री बन सकते हो, वो तो डिकोड ही नहीं किया. गलत हो गया. मतलब क्या है कि मैंने कॉमा डाला हुआ है बकायदा कि यू कैन बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज कॉमा, एंड देन मैं कह रही कंसिडर कर लें इन चीज़ों को भी. अब सारा कुछ लिख दिया मेगा प्रोजेक्ट्स में, सी पैक वगैरह डाल दिया, नेचुरल रिसोर्सेज लिख दिया. अब क्या हुआ, लिख कर कंक्लूड कर दिया सीधा. भाई मेरा सवाल है, आप लोग कह रहे हैं जी ये सी पैक है सरकार, वट एवर आप कह रहे हैं बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं, इससे रिचेस्ट कंट्री कैसे बन जाओगे तुम लोग, सारा कुछ तो कर दे पे.
मुझे वो एसेट्स बताएं जिससे आप जेन्युइनली रिचेस्ट हो सकते हो. इसलिए मैंने टूरिज्म और दूसरी चीज़ों को मेंशन किया. ये तो लॉन्स पे है. और आपको लगता है एग्जामिनर को डेट ट्रैप पॉलिसी नहीं पता? इज ही डैट मच स्टूपिड? जिस चीज़ को आप कोड कर रहे हैं वो तो कोड करने वाली थी ही नहीं. यहाँ तो आप लोग यस गवादर, आपकी इन्वेस्टमेंट होती 50% चाइना की होती. आप लोगों की अपनी उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत होती. डू आई नीड टू टेल अबाउट दिस फ्रॉम अ क्रिटिकल आई, फ्रॉम अ क्रिटिकल लेंस, कि इट्स योर लाइक एसेट बट दैट इज नॉट बीइंग ऑन्ड बाय यू इन अ लॉन्गर रन. डू आई नीड टू टेल मोर अबाउट दिस और नॉट? तो उन रिसोर्सेज को तो आपने टैप ही नहीं किया जिनकी वजह से आप रिचेस्ट कंट्री में कन्वर्ट हो सकते हो. योर लोकल पोटेंशियल्स, टेक्सटाइल इज योर लोकल पोटेंशियल, अजरक इज योर लोकल पोटेंशियल, मतलब बहुत कुछ है लोकल पोटेंशियल है. सॉल्ट माइंस, यस. तो वो उसको मैंशन करें विच इज नॉट बींग ऑन्ड बाय एनी अदर स्टेक होल्डर. वो था ही नहीं. एंड सम हाउ आई लॉस्ट द पाथ. वखान स्ट्रिप है, कनेक्टिविटी है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक आप जा सकते हो. एंड ऑब्वियसली बाय क्रैकिंग द आर्गुमेंट्स और एग्रीमेंट्स बाय योर ओन सेल्फ. आपने खुद से उन एग्रीमेंट्स को क्रैक करना है. इट्स नॉट लाइक दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन यूएस, चाइना और आप उनको कहें. नहीं, खुद से करें. लोकल कम्युनिटी, नेटिव्स, वो डेवलपमेंट करें. अब ये बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं और यही चीज़ आप कहाँ पर गलती करते हो बेटे वेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर. आई होप क्लैरिटी थोड़ी बहुत तो आप लोगों को आ रही होगी. फिर बेटे एक क्वेश्चन था, आर्ग्यू डैट पाकिस्तान्स पॉलिटिकल मैप इज द आउटकम ऑफ इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइडिंग अ रीजेंट अकाउंट टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. नाउ पॉलिटिकल मैप को मैंने कहा था कि प्लीज़ लिंक कर दें विद जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन. नाउ पॉलिटिकल मैप इज योर पॉलिटिकल रिलेशंस विद अदर स्टेट्स एंड हाउ योर स्टेट इज पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड इन ग्लोबल अफेयर्स ड्यू टू योर ज्योग्राफिकल पोजिशन. Now, nobody mentioned about 1979. No one mentions about 9/11. Nobody mentioning about, you know, the post-2021 events. Very important. FATF का crisis. Political map का क्या मतलब है? एक political landscape होता है ना. मुझे एक बात बताएं जो नरेंद्र मोदी की respect है, क्या वो आपके Prime Minister की होती है? I don't want to offend any of you, but वैसे एक question पूछ रही हूँ. नहीं होती. वाई? बिकॉज यू आर नॉट पॉलिटिकली रेलिवेंट. आप इनडायरेक्टली एक पपेट हैं. आप पॉलिटिकली रेलिवेंट नहीं है ग्लोबल लैंडस्केप के अंदर. आप किसी के साथ लग के रेलिवेंट होते हैं. कभी यूएस का कंधा पकड़ लिया, कभी चाइना का. आप डायरेक्टली रेलिवेंट है ही नहीं पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड में. यू नीड टू गेट दिस स्ट्रेट. अब बच्चे रेंडम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं. कोई जियो स्टडीज के बेनिफिट्स लिख रहा है, कोई थ्रेट्स लिख रहा है. पता ही नहीं चल रहा कि पॉलिटिकल मैपिंग की टर्म मैंने यूज़ की है. पॉलिटिकल मैप कौन करता है? पॉलिटिकल क्लास करती है. कैसे करती है? जो वो एग्रीमेंट्स क्रैक कर रही है या जिस तरह के इवेंट्स में हम इन्वॉल्व रहे. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था. सीटो सेंटो से शुरू होते हैं आप लोग. उसी पॉलिटिकल लैंडस्केप को आप लिंक करते कि हमने जियो स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल को कैसे कर्ज में कन्वर्ट किया. एंड इट वॉज रियली अ नाइस क्वेश्चन टू अटेम्प्ट. बट अगेन आई डोंट गेट एनी थिंग आई डिमांड. मैं डिमांड नहीं करी बाय द वे. ये एग्जामिनर आपसे स्टेटमेंट में डिमांड करता है. अब अगेन क्या है, आप लोग ओवर एक्साइटेड हो गए माजरत के साथ. जियो स्ट्रेटेजी यार ये तो पता है, ये तो पढ़ा हुआ है. समटाइम्स आप लिंक करने में ना कहीं मिस्टेक कर देते हो डिकोडिंग में. जियो स्ट्रेटेजी का वर्ड तो मैंने जानबूझ के डाला था बिकॉज आई वॉज प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि यू आर गोइंग टू गेट कन्फ्यूज. पोलिटिकल मैप के टर्म आपको लगा हाँ पोलिटिकल मैप जियो स्ट्रेटेजी क्या डिफरेंस हो? कोई डिफरेंस नहीं. देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. कोई रेलिवेंसी थी नहीं. फिर वो दे दिया, चले वो भी ठीक है. मैंने कहा सपोर्ट करना है इस स्टेटमेंट को. पता नहीं सपोर्ट और निगेशन वाली बात पूरा पेपर सारे एंड हो गए कहीं पे मुझे समझ ही नहीं आई. पहले तो मुझे यही समझ नहीं आया कि सपोर्ट कोई कर रहा है, निगेट कर रहा है, यस कर रहा है, इसकी फेवर में इसके वो अगेंस्ट है. वो मैं मतलब आप मैं क्योंकि बहुत अजीम हूँ, मेरे बच्चे उससे ज़्यादा अजीम है. वो कहते हैं कि माँ जी खुद ही बढ़ के जज करें कि हम किसकी फेवर में हैं. मेरे लिए टास्क है. अब तुम लोग खुद सोचो कि तुम लोग एग्जामिनर के लिए टास्क छोड़ के आ रहे हो तो वो तुम लोगों को क्या नंबर देगा?
यू नो वट यू आर यू पीपल आर डूइंग, ये 6 सफ़े का हमारा सवाल है, इसको पढ़े और देखें हमने क्या लिखा है, आप बताएं हम क्या करना चाह रहे हैं. दैट्स वेरी स्ट्रेंज. आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बेसिकली डिकोडिंग और इन सब चीज़ों का बड़ा प्रॉब्लम आता है. फिर आप क्या करते हो, उसने 3 इश्यूज पूछे हैं. पाकिस्तान अफेयर में यही हो रहा है, आप लोग एक को एड्रेस करोगे, एक को छोड़ दोगे, एक के सॉल्यूशंस दे आओगे. दैट्स वेरी रॉन्ग, दैट्स वेरी रॉन्ग. उसके बाद आते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन. फिर वो भी बहुत अच्छे सवाल आपने अटेम्प्ट किए थे, बहुत डिटेल में पता था आप लोगों को. जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, क्रिटिकली एनालाइज द 1937 इलेक्शंस एंड द सफरिंग्स एंड ग्रीवियंसिस ऑफ मुस्लिम्स अंडर कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस 1937 टिल 1939. अच्छा, मैंने खुद 37 से 39 तक मेंशन कर दिया, फिर मैंने आगे लिखा फुल स्टॉप, टू व्हाट एक्सटेंट डिड दिस कंट्रीब्यूट टू पॉपुलराइजिंग द आइडिया ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया. नाउ व्हाट आई वाज आस्किंग, दैट वाज इट अबाउट 1937 टू 39 हिंदू मिनिस्ट्रीज. नो, दैट्स नॉट माई क्वेश्चन. इज मैं तो ऑलरेडी कह रही हूँ कि उसमें सफरिंग्स थी, उसमें ग्रीवियंसिस क्रिएट हुए, उसमें मुस्लिम्स को सप्रेस किया गया. ये तो मैं लिख रही हूँ स्टेटमेंट में. मैंने आगे पूछा है कि इससे आइडिया स्टेट कैसे बन गई भाई, पाकिस्तानी मूवमेंट इतना यू नो मोमेंटम कैसे पकड़ गई कि 47 में 2 स्टेट्स बन गई. अब किसी बच्चे ने 1939 के बाद एक आधी चीज़ लिखी है, यौम निजात, डे ऑफ डिलीवरेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 40 में जी लोहार रेजोल्यूशन हो रही है, आगे कोई इवेंट नहीं. कि 40 से लेकर 47 के इवेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इलेक्शन दोबारा कंडक्ट हो रहे हैं, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्लीन स्वीप करती है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के अंदर, कांग्रेस क्लीन स्वीप करता है किसके अंदर, जनाबे वाला, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज के अंदर. अब नाउ दिस इज द थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. किसी ने भी नहीं लिखा. हाँ, ये बड़ी क्यूट बात थी, 37 और 39 के इतने इवेंट्स लिख दिए कि मुझे खुद रोना आ गया. भला हो मैं उस दौर में पैदा नहीं हुई, इतना मुसलमानों के साथ जुल्म देख के 2 मिनट तो मेरा भी दिल करना था कि इंडिया भी ले लें. इतना दुख हुआ, जो नहीं भी हुआ वो भी डाल दिया. इतना एग्जामिनर को इमोशनल करते हैं कि बस रो ही पड़े, इतना दुख था इनको. तो दिस इज द थिंग दैट वॉज अगेन वेरी स्ट्रेंज. ठीक है, तो अगेन क्या हुआ कि आपने 37 से 39 हिंदू मिनिस्ट्रीज की टर्म देखी, आपने बोला ये तो हमें आता है, ये तो हम आराम से कर लेंगे, और वहीं पे आपने मिस्टेक कर दी. आपने पॉपुलराइजेशन का आइडिया नहीं बताया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का रोल नहीं बताया, कायदे आजम की एफर्ट्स नहीं बताई हैं. यहाँ तक तो आप लोगों ने मेंशन नहीं किया था कि 1939 में पहली बार ब्रिटिश बलूचिस्तान उस टाइम पे कहते थे, वहां पर 1939 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ऑफिस खोला गया था. 1936 में तो बॉम्बे और सिंध सेपरेट हो रहा है सरकार, वरना सिंध तो मर्ज था विद बॉम्बे. आज भी आप जाएं इंडिया में बहुत लोग सिंधी बोलते हैं. Nobody is mentioning this, not even the Sindhi people. वैसे पंजाबी सिंधी हेटेड फैला के बैठे हुए आप लोग, ज्यादती है ना, वैसे आप लिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है. फिर आप भी सिंधी हैं, सेम फॉर यू. क्या बात है. नहीं मतलब वैसे एक बात कर रही हूँ कि आपने एक मूवमेंट नहीं बताई ना कि मोमेंटम 1940 का इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जिन प्रोविंसेस की आप डिमांड कर रहे हैं वहां पर आपने थोड़ा सा तो टच दें. प्री हिस्टोरिक क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं कि इसको देख के तो एग्जामिनर सीधा छक्का देगा. वो ऐसा कोई छक्का मारते हैं कि गेंद सीधा बाउंड्री से बाहर है इनका. अब आप किस किस को लग रहा है कि पेपर में गलती हो गई है, वही तो है ना. इसका मतलब है डिकोडिंग. अब यहां से समझ आ रहा है कि आप रेंडमली ना देखते हो सुनते हो डीकोडिंग डीकोडिंग, आप लोगों को लगता है पता नहीं क्या ही बात हो रही है. ये है डीकोडिंग पाकिस्तान अफेयर्स की, कि अगर आप उसने 6 आपसे पॉइंट्स पूछे हैं या पर्सपेक्टिव्स पूछे हैं तो एटलीस्ट हर किसी को टच करें बेटे. जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं किसी स्पीच के, वो ऐसा नहीं होता कि एंड पे जो आधे घंटे में बोला हुआ वो कंक्लूड करते हैं. अगर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस चली है तो उन 3 दिनों को कंक्लूड किया जाता है बेटा. ये तो बड़ा बेसिक रूल है. मैं हमेशा एक बात करती हूँ, बच्चे ऑफेंड होते हैं उससे, आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना आ जाता है, क्योंकि आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका इसलिए आसान लगता है, उसमें बहुत मोटी मोटी बातें होती हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग आप में से किसी को भी माइंड ना कीजिएगा, कंक्लूजन लिखना असल में आर्ट होता है. या आज मैं आपको बोल रही हूँ कंक्लूड करना आर्ट है. आपने पता नहीं किसी ने सुना या नहीं कैसे में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ता है, वो कंक्लूड करना असल आर्ट है.
कॉन्क्लेव नहीं आता लोगों को करना, इंट्रोडक्शन आ जाता है, इश्यूज होते हैं ना, पता होते हैं, फिंगरटिप्स पे होते हैं, रोले हमें पता ही है पाकिस्तान में है ही क्या, और उसको ओपनिंग स्टेटमेंट लिखना, थीसिस स्टेटमेंट देना, लिखना बड़ा आसान होता है, 10 मोटी चीज़ें डाल दी, हैवी वर्ड्स याद किए हुए डाल दिए तो बस हो गई बल्ले बल्ले, बट द फैक्ट इज़ हमेशा याद रखिएगा, कंक्लूड करना आर्ट है बेटे, और ये आर्ट सबको नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि कॉन्क्लूजन में आपने समराइज करना है इश्यूज़ को, नहीं इश्यूज़ आपने एक दो लिख के छोड़ देने हैं, कि कंक्लूजन में आपने बताना है कि मेरे सॉल्यूशंस, मेरे सजेशंस कितने एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट थे, एंड देन फुल स्टॉप। इंट्रोडक्शन में मोस्टली इश्यूज़ हैं, एक आधी लाइन आती है सोल्यूशन की। कॉन्क्लूजन में आपने कहीं ना कहीं स्पेस देनी है प्रॉब्लम को भी जो आपने डिस्कस किया है, और सोल्यूशंस कितने प्रैक्टिकल दिए हैं, देन फुल स्टॉप। आज आप जाकर अपने पेपर्स जो भी दिए हैं उनके कंक्लूजन रीड कीजिएगा, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हमें कंक्लूड करना, समराइज करना, इन अ नटशेल चीज़ों को यू नो समराइज या प्रिसाइज करना, वो मुश्किल है बहुत। इंट्रोडक्शन इज़ नॉट अ प्रेसी, कंक्लूजन इज़ अ प्रेसी, और प्रेसी में फेलियर रेशो क्या, आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल यू, दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग एवरीबडी इज़ फेमिलियर विद। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर कॉन्क्लूजन्स, क्योंकि जितना बेहतर आपका कॉन्क्लूजन होगा ना बेटा, उतना बेहतर आपको समझ आएगा व्हाट वी मिस। कॉन्क्लूजन जब आप रीड करेंगे ना अपने आप जाकर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने मिस क्या क्या किया है, क्या चीज़ स्टेटमेंट की ऐसी है जो हमने एड्रेस किए बगैर छोड़ी थी। इंट्रोडक्शन के बाद आपने 6 सफ़े लिखने हैं, तो ये तो बेसिक बात है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में यू हैव अ लॉट टू राइट। कॉन्क्लूजन के बाद लिखना कुछ नहीं है, कॉन्क्लूजन मीन्स द फुल स्टॉप। तो वो यू नो पेन को स्टॉप करना, किस एक्यूरेसी पे किया है, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स आर्ट। इसीलिए जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, मैं यही कहती हूँ कि दैट यू नो ही और शी कैन क्वालिफाई। उसकी रीजन है, इसका मतलब है कि आपका राइटिंग स्टाइल, आपका यू नो क्रिटिकल एनालिसिस, आपकी क्रिएटिविटी, इट्स एट स्पीक। अक्सर हम कहते हैं कोई कुछ भी पढ़ें, कुछ देखें, तो हम कहते हैं बड़ा यू नो रैंडम सेंट है, समझ में कुछ नहीं आया। थीम आपको पूरी यू नो बुक में कम्युनिकेट होता है, बट आप एंड पे वो लूज कर देते हैं अपना इंटरेस्ट, आप कहते हैं नहीं कॉन्क्लूजन ठीक नहीं था। हालांकि किताब बहुत कमाल की होती है और बहुत अच्छे आइडियाज़ को समराइज किया जाता है। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन क्लास? जी जी, किसमें कितना लिखना है, मतलब जैसे वो तीन वाला पोर्शन था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रॉब्लम्स और फिर एनर्जी के क्राइसिस, उसको कैसे एक्सेसरबेट कर दिए और फिर उन दोनों का सोल्यूशन, तो क्या वेटेज रखनी चाहिए? सिंपल है बेटा, डिपेंड करता है कुछ को, जैसे डेमोक्रेसी का समटाइम्स वो स्टेटमेंट दे देता है कि 7 डेकेड्स का फेलियर, उसमें अब आपने क्या करना होता है, अपने पैराग्राफ्स को बहुत स्क्वीज कर देना, छोटा कर देना, क्योंकि आपने 7 के 7 डिकेट्स का फेलियर बताना है। कुछ होता है उसमें बड़ा स्पेसिफाई, बड़ा ओपन एंडेड छोड़ देता है, सिर्फ एनर्जी क्राइसिस पूछ रहा है, अब उसमें सिंपल है 3 पेजेस एनर्जी क्राइसिस के, 3 सॉल्यूशंस के, तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। बट माई कंसर्न इज कि आप जब देखते हो ना एक लंबी स्टेटमेंट, तो आप उसमें 2 चीज़ें एड्रेस करते हो, 3 छोड़ाते हो, या चले 3 एड्रेस करते हो, 2 छोड़ देते हो। हाँ, 5, 5, 5, यस एब्सोल्युटली, ठीक है जी, चलें, दैट विल बी ऑल, थैंक यू।